नीलांजन समाभासम रवि पुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। वाओ, दिस इज ग्रेट रवि, चलो पैकिंग शुरू करते हैं। फ्लाइट 536 के टिकट कंफर्म हो गए एंड वी आर लीविंग बॉम्बे एट 2:45। मतलब कि हमें बॉम्बे के लिए कल सुबह ही निकलना पड़ेगा। कल सुबह? यस, बाय फ्लाइट। कम से कम एक दिन तो हमें चाहिए शॉपिंग के लिए। राइट रवि, ये कौन से सफर की तैयारी हो रही है बेटे? डैडी, लंदन वापस जाने की। सॉरी डैडी, अचानक वहां से फोन आ गया था मेरे पार्टनर का, मुझे फौरन बुलाया। बजे फाइनेंशियल क्राइसिस। मुझे तुम्हारे इस क्राइसिस का कोई अंत नजर नहीं आता।
अपने हाथों से बुने इस क्राइसिस के जंजाल से आखिर कब निकलोगे तुम? कोशिश तो कर रहा हूँ डैडी, इतने जाने क्यों इन परेशानियों के दलदल में कुछ ज्यादा ही फंसता जा रहा हूँ। इन परेशानियों इन हालात के जिम्मेदार भी तुम खुद हो। गॉड नोस कब सुधरोगे तुम, कब सीखोगे दुनियादारी। एक्सक्यूज मी डैडी, आपकी डांट प्रकार तो मेरी परेशानी को कोई हल नहीं है। मैं अपनी मुश्किलों को संभाल लूंगा, अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा। मैं भी यही कह रहा हूँ कि तुम बच्चे नहीं हो। फिर ये बचपना क्यों किया, बिना सोचे समझे गुड्डे गुड़ियों की तरह ब्याह कर लिया तुमने? डैडी उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे। डैम योर हालात, मैं सब समझता हूँ हालात के चक्कर, और इन टेढ़े मेढ़े हालात के चक्कर में फंसकर विदेशी लोग शादियां करते हैं, हिंदुस्तानी नहीं। हिंदुस्तानियों की अपनी एक सभ्यता है, परंपरा है, रीति रिवाज है, रस्में हैं, कस्में वादे हैं, और यहाँ शादी का मतलब है दो आत्माओं और दो परिवारों का अटूट मिलन। डैडी यही सोचकर तो हमने शादी की है। लीना के पापा जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और कर देना चाहते थे। अगर ये हो जाता ना तो लीना वहां घुट घुट कर मर जाती और मेरा न जाने क्या हाल हो जाता। इसीलिए हमें ये शादी अचानक करनी पड़ी, और जैसे आपको मालूम है शादी के बाद किस तरह हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक के बाद एक परेशानी ने आ घेरा हमें। इट इज बट नेचुरल रवि, अगर तुम परेशानी को इनवाइट करोगे तो नेचुरली वो तुम्हें आके घेरेंगी। तुम्हें किसने कहा था कि तुम कंप्यूटर की हायर स्टडीज छोड़कर बिजनेस में पड़ जाओ? और अब बिजनेस की परेशानियां तुम्हें परेशान कर रही हैं, तो बाप होने के नाते क्या मैं परेशान नहीं होऊंगा? मुझे दुख नहीं होगा? आई एम सॉरी डैडी, प्लीज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं जल्द से जल्द इस दलदल से निकल जाऊंगा। आई वोंट लेट यू डाउन। रवि मुझे पूरा यकीन है बेटे कि परेशानियों के चक्रव्यूह को तुम तोड़ोगे, तुम जरूर कामयाब होगे मेरे बेटे। थैंक यू डैडी। अरे हाँ, तुम्हारा एक लेटर आया है तुम्हारे नाना जी का, जिनके तुम बहुत लाडले हो ना। नाना जी का? अपनी परेशानियों से दूर होना चाहते हो तो उनके पास जाओ, उनसे आशीर्वाद लो। बड़ों का आशीर्वाद बहुत काम की चीज है। इस दुनिया का हर दुख दर्द बड़ों के आशीर्वाद से दूर हो जाता है। तुम जाओगे ना? जरूर जाऊंगा, लेकिन कल सुबह हमें बॉम्बे की फ्लाइट पकड़नी है। तो क्या हुआ बेटे, तुम कार से जाओ, मेरी गाड़ी ले जाओ, पांडे जी को साथ ले जाओ, अपने नाना जी से मिलके वहीं से सीधे बॉम्बे चले जाना। गुड ओके। उधर मेरे पेरेंट्स परेशान, यहाँ तुम्हारे डैडी अपसेट। हमने जल्दबाजी में शादी करके अच्छा नहीं किया रवि। तो क्या करते लीना, मम्मी डैडी से परमिशन लेने का टाइम ही नहीं था। अब जो हुआ सो हुआ, फॉरगेट इट। अब आगे की सोचो और जल्दी से पैकिंग करो, वक्त कम है और नाना जी से मिलने शिंगणापुर भी जाना है। नाना जी शिंगणापुर, इज इट पॉसिबल? और क्या ये जरूरी भी है रवि? जरूरी भी है और पॉसिबल भी। देखो कल सुबह हम लोग शिंगणापुर होते हुए बॉम्बे पहुंचेंगे, वहां एक दिन रहकर शॉपिंग करके लंदन की फ्लाइट पकड़ेंगे। नाउ वेयर इन द वर्ल्ड इज शिंगणापुर? अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। नाना जी वहां की बहुत तारीफ करते हैं। Why? Anything special or what? नहीं, nothing special. But वहाँ एक मंदिर है, जैसे वहाँ के लोग